हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री एंड। सर, अक्सर मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन मुझसे ये पूछा जाता है कि ये एनोड पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, और मैं आंसर देता हूँ दोनों होता है। फिर लोग पूछते हैं, अरे ऐसे कैसे दोनों हो सकता है, या तो आपका क्वेश्चन गलत है या मेरा आंसर गलत है। सर, ना ही आपका क्वेश्चन गलत है और ना ही मेरा आंसर गलत है। एनोड पॉजिटिव भी होता है और एनोड नेगेटिव भी होता है, बस आपने पूछते समय क्वेश्चन को आधा अधूरा पूछा। आपने ये नहीं पूछा कि एनोड गैल्वेनिक में क्या होता है और एनोड इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है। द रीजन इज कि एनोड पॉजिटिव भी होता है और एनोड नेगेटिव भी होता है। तो एक काम करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या है, एनोड पॉजिटिव है कि नेगेटिव, और अगर दोनों है तो कैसे है। तो एक काम करते हैं, हमारे पास एक गैल्वेनिक सेल है। आप अगर इस गैल्वेनिक सेल को देखो, तो मैंने यहाँ से हम जो कंटिन्यू करते हैं हम उसी के साथ चलेंगे। मेरे पास जिंक है, जिंक का सोल्यूशन है, कॉपर है, कॉपर का सोल्यूशन है, और मेरे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल में मैंने NaCl लिया है, दैट्स योर NaCl, और वो भी मोल्टन स्टेट में लिया है, दैट्स इन मोल्टन स्टेट, नो वाटर एट ऑल, सिर्फ पिघला हुआ NaCl। ना मुझे पता है यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जमा होते हैं, और मुझे पता है यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज जमा होता है। मुझे ये भी पता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करना स्टार्ट करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करना स्टार्ट करता है, और ट्रैवल करते करते इस रॉड पे आके जमा हो जाता है। यहाँ पर सोडियम जाता है और सोडियम जाके इलेक्ट्रॉन चुराता है और डिपॉजिट हो जाता है। यहाँ पे क्लोरीन जाता है, क्लोरीन जाके इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी ऑक्सीडाइज होता है, और लिबरेट कौन हो जाता है, Cl2 का गैस लिबरेट हो जाता है। ओके सर, एक काम करो, सब रिएक्शंस को लिखो। सर, यहाँ बताओ कौन सा रिएक्शन हुआ। सर, यहाँ पर जो रिएक्शन हुआ वो था जिंक गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे कौन सा हुआ, Cu2+ +2 इलेक्ट्रॉन्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉपर। सर, कौन सा रिएक्शन है ये? सर, ये रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ओके, अगर ऑक्सीडेशन है, कौन सा चार्ज डेवलप हुआ, चार्ज डेवलप हुआ नेगेटिव, मैं ऐसे लिखता हूँ। सर, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन है? सर, यहाँ जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन का नाम है रिडक्शन। कौन सा चार्ज डेवलप हुआ रिडक्शन की वजह से? जो चार्ज डेवलप हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव था, तो यहाँ पर पॉजिटिव हुआ। अब बात करते हैं यहाँ पर। सर, पहले बात करता हूँ मैं इस इलेक्ट्रोड पे क्या हुआ होगा। सर, इस इलेक्ट्रोड पे अगर मैं रिएक्शन लिखूं, तो सोडियम प्लस था, Na+1 था, उसने 1 इलेक्ट्रॉन चुराया और किस में जाके डिपॉजिट हो गया, सोडियम, दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। कौन सा रिएक्शन है? सर, अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो ये रिएक्शन है रिडक्शन, और रिडक्शन रिएक्शन है, पर रॉड पे चार्ज कौन सा था? रॉड पे चार्ज नेगेटिव था। सर, एक चीज समझिए, यहां पॉजिटिव चार्ज आया क्योंकि रिडक्शन हुआ, यहां रिडक्शन हुआ क्योंकि वहां नेगेटिव चार्ज आया। सो दिस आर टू थिंग्स, यहां पॉजिटिव चार्ज इज बिकॉज ऑफ रिडक्शन। सो लेट मी राइट द स्टेटमेंट, द पॉजिटिव चार्ज इज ड्यू टू रिडक्शन। ओके, और आप यहां पे क्या बोलोगे, रिडक्शन इज Because of negative charge। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया जो मैं कहना चाहता हूँ। सो यहाँ पर आपका सोडियम डिपॉजिट होता है क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ओके, व्हाट अबाउट दिस यहाँ क्या रिएक्शन हुआ होगा। सर, अगर मैं यहाँ का रिएक्शन लिखूँ तो यहाँ क्या रिएक्शन हुआ होगा, आपका क्लोरीन, दैट इज 2 times Cl- कन्वर्ट हुआ होगा, किस में, ये कन्वर्ट हुआ होगा Cl2 में, और इसने क्या लूज किया होगा, इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन कौन सा हुआ, रिएक्शन वॉज ऑक्सीडेशन। ओके सर, मुझे बताओ, यहाँ रिडक्शन हुआ क्योंकि नेगेटिव था, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि पॉजिटिव था। सर, अब एक चीज देखो, यहां ऑक्सीडेशन हुआ नेगेटिव, यहां ऑक्सीडेशन हुआ पॉजिटिव, यहां रिडक्शन हुआ पॉजिटिव, यहां रिडक्शन हुआ नेगेटिव। अब एक चीज को याद रखना, नेक्स्ट टाइम अगर कोई तुमसे पूछेगा व्हाट बेसिकली डू यू मीन बाय एनोड, तो एक ही आंसर देना, एनोड मतलब वो इलेक्ट्रोड जहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो जहां कहीं पर भी आपको ऑक्सीडेशन होते हुए दिखाई देगा वो आपका एनोड कहलाएगा, और जहां कहीं पर भी आपको रिडक्शन होते हुए दिखाई देगा वो आपका क्या कहलाएगा, कैथोड। सो कैथोड का मतलब क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो अब सर, एक काम करते हैं, नाम देना स्टार्ट करते हैं। क्या नाम दोगे? सबसे पहले मैं नाम देता हूं, यहां ऑक्सीडेशन हुआ, तो ऑक्सीडेशन हुआ तो इसको क्या कहा जाएगा, एनोड, तो ये बन जाएगा एनोड। यहां रिडक्शन हुआ तो ये क्या हो जाएगा, कैथोड, और यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ तो ये क्या कहलाएगा, एनोड, और यहाँ रिडक्शन हुआ तो ये क्या कहलाएगा, कैथोड। ओके, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आता। तो अब एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं, दिस इज योर गैल्वेनिक एंड दिस विल बी योर इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ओके, यहाँ मैं लिखता हूँ एनोड और यहाँ मैं लिखता हूँ
कैथोड। तो अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, एनोड क्या है, कैथोड क्या है? सर देखो, गैल्वेनिक सेल में एनोड, एनोड पे नेगेटिव चार्ज था क्योंकि वहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पे ऑक्सीडेशन था, तो यहाँ पर चार्ज कौन सा था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, सो दिस वॉज पॉजिटिव। अच्छा, रिडक्शन की बात करते हैं, कैथोड, यहाँ पर चार्ज कौन सा है, रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव, रिडक्शन नेगेटिव कैथोड, तो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव। नाउ इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज एनोड, तो सर एनोड तो पॉजिटिव भी है, एनोड तो नेगेटिव भी है, पर सर एक चीज़ कॉमन है, एनोड कुछ भी हो पर वहाँ हो क्या रहा है, वहाँ पर होने वाला काम है ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन। सो इफ somebody ask यू what इज एनोड या what is कैथोड, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उससे पूछिए भाई तुम कौन से सेल की बात कर रहे हो, either are you speaking about galvanic cell or are you speaking about electrolytic cell, या दूसरा क्वेश्चन भाई आप उसको एक सिंपल आंसर दे दीजिए, एनोड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, वो आप डिसाइड करो, पर एनोड वो इलेक्ट्रोड है जहां ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो आने वाले पूरे वीडियो सीरीज में ये याद रखिएगा, जहां भी ऑक्सीडेशन हुआ मैं उसको एनोड कहूंगा, जहां पर भी रिडक्शन हुआ मैं उसको कैथोड कहूंगा। गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीडेशन की वजह से नेगेटिव चार्ज आता है और रिडक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज आता है, पर यहां पर उल्टा होता है, यहां रिडक्शन होता है क्योंकि वहां नेगेटिव चार्ज है, और यहां ऑक्सीडेशन होता है क्योंकि वहां पर पॉजिटिव चार्ज है। तो एक जगह पे चार्जेस डेवलप होते हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ, और एक जगह पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है क्योंकि वहां पे चार्ज डेवलप हुआ। मुझे उम्मीद है एनोड और कैथोड की ये जो प्रॉब्लम थी ये सुलझ गई है, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, ये आज के बाद क्लियर रहेगा। थैंक यू।